हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल फील इंस्पायर्ड। फ्रेंड्स, आज हम राधा रानी के लिए हेयर विग बनाएंगे। पर मैं रहती हूँ वहाँ पर, मतलब इनका कोई भी सामान मुझे नहीं मिलता है, तो मुझे ऐसे ही एडजस्ट करके चीज़ों को बनाना होता है। तो यहाँ पर हेयर विग वगैरह नहीं मिलती है, तो ऐसे शायद बहुत सारे लोग होंगे जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं मिलती है, तो उनके लिए हम ये वीडियो बनाएंगे, राधा रानी की हेयर विग बनाएंगे। हेयर विग बनाना बहुत आसान है, कुछ भी उसमें ज़्यादा नहीं करना होता है। हमें चाहिए होते हैं हेयर्स। ये आपको मार्केट से इस तरह के ये हेयर मिल जाएंगे, जैसे ये एक डब्बे में आते हैं तो ले सकते हैं। ये देखिए, इनमें ये इस तरीके के लंबे लंबे हेयर आते हैं, तो आपको ना सबसे लंबे वाला साइज़ लेना है। जैसे ये यहाँ पर 16 नंबर है, ये देखिए ये 16 नंबर है, तो ये मैंने लंबे वाला साइज़ लिया है। और एक ये अलग से एक्स्ट्रा है, क्योंकि जब मैंने राधा रानी की बनाई थी तो जो विग मैंने राधा रानी को, आपने वीडियोस में देखा होगा जो मैं पहनाती हूँ, काफ़ी हैवी विग है, तो उसमें मैंने यहाँ पर जैसे कि एक तो ये पूरा विग है, मतलब ये पूरी एक अलग से जो हेयर का पूरा है, ये तीन का बंडल है ये वाला है, और दो मैंने इसके यूज़ किए हुए हैं, तो एक मेरे पास ये रखा था। तो इस बार हम ये चार से बनाएंगे, तीन ये हैं और एक ये है। ये आप कोशिश कीजिएगा थोड़े अच्छी क्वालिटी के लिए। ये देखिए, बिल्कुल शाइनी हेयर है, बिल्कुल स्मूथ है, और मतलब स्ट्रेट टाइप भी हैं थोड़े से, तो आप ये इस तरह, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, बाद में आप इनको स्ट्रेटनर से भी सही कर सकते हैं। तो ये देखिए, काफ़ी लंबे ये हेयर हैं, और आई थिंक सो इनकी जो लंबाई है वो 20 या 22 के लगभग, 20 इंच या 22 के लगभग इनकी लंबाई है। और एक हमें चाहिए ब्लैक कपड़ा, तो इसकी मैं लंबाई और चौड़ाई आपको बताऊंगी हमें कितना लेना है। ये आप कॉटन फैब्रिक भी ले सकते हैं, या जो अस्तर का फैब्रिक होता है वो भी आप ले सकते हैं। मैंने ये यहाँ पर रेयॉन फैब्रिक लिया है, क्योंकि मेरे पास ये ब्लैक में रेयॉन ही था, तो मैंने ये रेयॉन फैब्रिक लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, और अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। आप इसको अलग अलग तरीके से बहुत सारे डिज़ाइन में बना सकते हैं। अभी तो मैं आपको एक ओपन हेयर विग बना के दिखा रही हूँ कि इनका ओपन हेयर आपको कैसे बनाने हैं। वैसे तो आप उसकी चोटी भी बना सकते हैं, तो जूड़ा भी बना सकते हैं, सभी तरह का मैं आपको इसमें बनाकर दिखा दूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, विग बनाने के लिए यहाँ पर हमने जो ये फैब्रिक लिया है, इसकी जो लंबाई है, ये कपड़ा मैंने डबल में लिया है। ये देखिए, इसकी जो इस तरीके से ये लंबाई है, ये 4.25 इंच है, और जो इस कपड़े की चौड़ाई है, ये 2.5 इंच है। ये देखिए, और इसको मैंने डबल कर लिया है, मतलब जिधर की साइड से ये 2.5 इंच है ना, अगर हम इसको खोल देंगे तो वो यहाँ पर 5 इंच हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको डबल कर लिया है। डबल करने के बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले सेंटर में इसमें मार्क कर लेंगे। ये देखिए, सेंटर में हमने इसमें मार्क कर लिया है। इसको हमें ऐसे ही रखना है, अभी इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमें लेने हैं यहाँ पर ये हेयर, जो हमने ये हेयर लिए हैं, इनको भी हमें ऐसे ही एक, वैसे अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, एक एक कट करके उसको थोड़ा सा लगाना ईजी हो जाएगा। बाकी इसमें पूरा हम फिनिशिंग बाद में देंगे, अभी इसको सिर्फ हमें कट करना है। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से हाफ में कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से। और इनमें एक्स्ट्रा साइज भी आते हैं, आप अपनी राधा रानी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं ये 12 इंच में बना रही हूँ, तो मैंने ये आपको मेजरमेंट भी 12 इंच में बताया है। तो अगर आपको बड़ी राधा रानी की विग बनानी है, तो आप इसमें बड़ा जो साइज होता है वो ले सकते हैं। ये देखिए, अब हमें इसको यहाँ पर, जो ये हमने सेंटर में जो मार्क किया है, ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इसको रख के, इसको हमें यहाँ पर इसी तरीके से रखना है, और इसको थोड़ा सा खींचते हुए रखकर यहाँ पर सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। पहले एक में लगाएंगे, फिर दूसरी भी हम यहाँ पर इसी तरीके से रखेंगे, और तीसरी भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से रखना है बिल्कुल सेंटर में, और ये सेंटर में हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। बालों को हमें थोड़ा अच्छे से रखना है, आगे की साइड जो ये कपड़ा है वो नहीं दिखना चाहिए, और कोशिश करिएगा कि आप ब्लैक कलर के जो धागा होता है उसी से ही सिलाई लगाएं, फिनिश काफी अच्छी आएगी।
अभी हम यहाँ पर इसी तरीके से ये दूसरा लेंगे और दूसरे को भी इस तरीके से हाफ से पकड़ेंगे। अभी हम ये यहाँ पर तीसरा भी ऐड कर देंगे। ये देखिए तीन यहाँ पर हमने लगाने के बाद अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से टर्न करेंगे और इसमें एक बार फिर से हम इधर की साइड सिलाई लगाएंगे और जैसे ही हम यहाँ पर जो पहला हमने ये हेयर ऐड किया था इसके पास आने लगेंगे तो हम यहाँ पर ये इसमें जो ये फोर्थ नंबर की है वो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। क्योंकि आगे की साइड से थोड़ा सा हमें इसमें हैवी लुक देना है ये देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से सिलाई लगा ली है। ये देखिए आप यहाँ पर फिनिशिंग देख रहे होंगे कि यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। ये एक हेयर विक के उसमें आ गया है। अब हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से रखना है सीधा करके और जो इसके यहाँ पर ये हमने फ्रंट साइड में जो अलग से एक्स्ट्रा विक ऐड की है उसको हम ऊपर की साइड उठाएंगे क्योंकि हमें इस विक को ऐसा बनाना है कि अगर हम इसमें ओपन हेयर करके पीछे क्लच लगाना चाहें तो वो भी थोड़ा सा अच्छे से बने। आपको इनको बाद में थोड़ा सा सही करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पर थोड़े से उलझे हुए हैं पर इनको हम पूरा हेयर विग बनाने के बाद ही सही करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम हेयर विग लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये गांठ लगी हुई है ये पूरा इधर की साइड से आएगा नहीं। मैं एक काम करती हूँ ये यहाँ से हटा देती हूँ। ये देखिए ये हमें फ्रंट साइड से हाफ एयर लेने हैं। ये देखिए इनको हम इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और जो ये पिन होते हैं इनमें हम यहाँ पर इस तरीके से पिन लगा देंगे। ये पिन लगाने के बाद अब इन हेयर को हमें यहाँ पर छोड़ देना है। अब जो हेयर हमारे पास ये बचे हैं ये देखिए इनमें हमें यहाँ पर इनको इसी तरीके से पकड़ते हुए इस कपड़े के साथ में यहाँ पर सिलाई लगानी है दबाते हुए जैसे हमने सेंटर में सिलाई लगाई है ना सेंटर के जस्ट साइड में भी हमें इस तरीके से जब कपड़ा हमारा इधर की साइड लगभग आधा इंच रह जाएगा ये नीचे का कपड़ा छोड़ते हुए आधा इंच हमें यहाँ पर एक सिलाई इधर और एक सिलाई हमें इधर लगा लेनी है।
तो चलिए हम यहाँ पर दोनों साइड सिलाई लगा लेते हैं। इससे जो हेयर रहेंगे फ्रंट साइड से बहुत अच्छे शेप में आएंगे और जो नीचे का कपड़ा है वो भी अंदर दब जाएगा, बाहर दिखाई नहीं देगा। ये देखिए हमने यहाँ पर ये इस तरीके से सिलाई लगा ली है, यहाँ पर भी सिलाई लगा ली है और ये जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर हैं ये हमने पिन लगाए हुए हैं और ये देखिए यहाँ पर भी लगाए, तो टोटल हमने यहाँ पर ये 3 सिलाई लगाई है। ये देखिए इस तरीके से अब हमें यहाँ पर इनको अभी ऐसे ही रखना है, इनको हमें नहीं खोलना है, इनको बाद में हमें कैसे सेट करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी हम इसको यहाँ पर ये देखिए उल्टी साइड से लेंगे जहाँ हमने एक कपड़ा लगाया हुआ है, इसको हम इस तरीके से सीधी साइड से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ये देखिए यहाँ तक हमने इसमें हेयर ऐड किया हुआ है, तो इन हेयर को हम इस तरीके से अंदर की साइड करेंगे और इसमें हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। सिलाई ये हमें इस तरीके से लगानी है, ये देखिए यहाँ से मशीन रखेंगे और यहाँ पर हमें इस तरीके से उतार देनी है। तो चलिए अब में हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। ये देखिए अब इसको हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। इसको हमें थोड़ा सा पीछे की साइड से इसको सही करना है, यहाँ पर जो ये बाल हमने यहाँ पर ये दिए हैं ये देखिए ये बहुत थोड़ा सा यहाँ पर कपड़े का गैप रहेगा, तो इसको हमें यहाँ पर सिलाई में इस तरीके से बालों को सही कर लेना है। ये देखिए ये पूरा अंदर चला जाएगा इस तरीके से जब हम इसको यहाँ पर ये भी सही कर लेंगे। ये देखिए अब जो ये हमारे बाल बचे हैं ये देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट हेयर विग जो है बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, ये हमें इस तरीके से उनके सर पे पहनानी है और जो ये हेयर है अब इनको हम यहाँ पर खोल लेंगे। ये देखिए इनको मैंने यहाँ पर बिना सिलाई के इसलिए रखा है कि जब हम लोग राधा रानी को जब ओपन हेयर पहनाते हैं तो ओपन हेयर पहनाने के बाद जब कई बार हम उनको इस तरीके से फ्रंट साइड से बाल लेकर और बैक साइड में इस तरीके से उनको क्लच लगाते हैं तो लुक बहुत अच्छा आता है। ये देखिए उसके बाद जो ये यहाँ पर ये वाली हमने जो ये सिलाई लगाई है ना ये यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, आई थिंक फोकस थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा है तो ये यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं, तो ये एक मेन रीज़न है। नहीं तो आप इसके ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें आप जो ये इस तरह का जो हेयर लुक क्रिएट करना होता है ना वो आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये सिलाई है तो इतना अच्छा लुक नहीं आएगा। तो ये देखिए हेयर विग बन के तैयार हो गई है, अब सबसे पहले हमें इसमें से ये कट कर देनी है और हेयर विग काफ़ी हैवी बनी है। ये देखिए इसको अब आप एक कॉम्ब से बालों को सीधा करके नीचे की साइड से बिल्कुल ये हेयर अपनी राधा रानी के नाप के अकॉर्डिंग आप सही से कट कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इनको सुलझा लेती हूँ। ये देखिए राधा रानी के हेयर जो थे वो मैंने कॉम्ब से हमें बस यहाँ पर हाथ रखना है और इनको इस तरीके से सुलझा लेना है। देखिए ये ऊँचे नीचे हैं तो ये देखिए यहाँ से फ्रंट साइड से फिनिशिंग देखिए आप और ये बैक साइड से फिनिशिंग देखिए आप। ये देखिए और आपको यहाँ पर जो ये कपड़ा है ये आगे बिल्कुल भी नहीं आएगा जब आप राधा रानी को इसको पहनाएंगे। ये देखिए ये बैक साइड से फिनिशिंग है, जैसे बिल्कुल रेडीमेड हेयर विग आती है ये बिल्कुल वैसे है। मैंने इसमें सेम ऐसे ही सिलाई लगाई हुई है और ये यहाँ पर ये देखिए ऊपर जो हमने अलग हेयर रखे हुए हैं। तो अब इनको हम या तो आप इनको नाप लें कि राधा रानी के जो साइज़ के अकॉर्डिंग है वो कितनी रहेगी, तो मुझे इसके लिए नहीं तो बाल पूरे में बिखर जाएंगे। सबसे पहले तो आप इनको थोड़ा सा इक्वल कर लें। ये देखिए मैंने ऐसे ही अपने कान्हा जी का हेयर विग बनाया है, ऐसे ही राधा रानी का विग बनाया है, तो आप इस तरीके से इस पैटर्न से किसी का भी हेयर विग बना सकते हैं।
ये देखिए, ये देखिए, ये अब नीचे से भी एक साथ हो गए हैं। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितनी लंबाई रखनी है। तो अब मैं आपको इनका जूड़ा और आपको इनकी चोटी बना के दिखाती हूँ, और आप इनको ओपन भी रख सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा लुक आप इनके साथ क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हमें राधा रानी के ओपन हेयर रखने हैं और उनका हेयर स्टाइल ओपन में बनाना है, तो ये देखिए जो हमने ये एक्स्ट्रा हेयर छोड़े हुए थे, ये हम पकड़ेंगे और यहाँ पर बैक साइड में इस तरीके से क्लच लगा देंगे। तो बैक साइड से जो इसका लुक आएगा वो ऐसा आएगा, और जो फ्रंट साइड से इसका लुक रहेगा वो ऐसा लुक रहेगा। ये देखिए, देखिए प्रॉपर, तो आपको जब हम राधा रानी को पहनाएंगे तभी पता चलेगा। तो नेक्स्ट श्रृंगार में ज़रूर शेयर करूंगी। और अगर आप इसी तरीके से पकड़कर हम इनमें बैक में, ये देखिए, चोटी भी बना सकते हैं और जूड़ा भी उनका बना सकते हैं। ये देखिए, एक परफेक्ट हेयर वीग उनकी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो कितना यूजफुल रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप जो जिस तरीके से मैंने ये राधा रानी का हेयर वीग आपको बनाना बताया है, ये आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अगर अपनी राधा रानी के लिए बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग राधे राधे।